इनका काम रहता है सिर्फ कैसे झगड़ा लगाए झगड़ा बढ़ाए। नीतीश जी 45 मिनट मुलाकात हुई थी क्या, जो भी बोले हो जी नीतीश जी गलत बोले 2000। अरे हम जो भी बोले मैं बता रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ। संगठन में तो मैं भूमिका ले क्या उसमें तो हम, अरे कुछ नहीं करता, साधारण काज करता था ही ना जी, लेकिन बूथ तक तो हमारे खड़ा किया हुआ है। तो भाई पार्टी ने हमको 6 जुलाई तक दिया है, अच्छा स्पष्ट है देखिए ना। और चूंकि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो कभी इस्तीफा मांग सकते हैं, तो हम भी इस्तीफा दे सकते हैं। हीरू महतो के नामांकन में जाइएगा सर? क्या चीज? हीरू महतो के नामांकन में जाइएगा? बुलाएगा तो जरूर जाएंगे। नेता की सोच है, नेता ने सोचा होगा कि कैसे पार्टी और मजबूत हो, प्लस वो भी सोचे होंगे कैसे हमारा मेरे बारे में कि उनका कैसे आगे अच्छा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को, और आप जानते हैं मंत्रिमंडल में कोई रहता है तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। अरे आज से संबंध अच्छा, ललन जी से जमाने से आप चले गए पिछले बार। अरे बेगूसराय मुंगेर में जब नॉमिनेशन होता के था जी, हम ही नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और उनका 303 उनका MP है। तो मैंने आज नहीं, जिस दिन मैंने ओथ लिया था उस दिन आप लोगों ने सवाल मुझसे पूछा था और मैंने जो कहा था मैं आज भी उसी पर कायम। देखिए 303 है उनका, उनको क्या आवश्यकता है किसी को बनाने की? लेकिन वो तो उनकी सदा सहायता है और उदारता है कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप चूंकि हमारे पार्टनर हैं। एक मिनट, आप तो प्री पोल अलायंस है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कोई नाराज क्यों होंगे जी? मैंने आज तक तो कोई काम ही नहीं किया किसी को नाराज करने का। मैं तो कभी ऐसा काम ही नहीं करता हूँ कि उनको नाराज हो, बल्कि जो नाराज रहते हैं कोई नाराजगी की बात पता चल जाती है मैं उसे दूर करता हूँ। तो ये तो बताया ना आपको कि नेता की सोच है, नेता ने सोचा होगा कि कैसे पार्टी और मजबूत हो, प्लस वो भी सोचे होंगे कैसे हमारा मेरे बारे में कि उनका कैसे आगे अच्छा हो। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मंत्री बने रहेंगे क्या? केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे मंडल में क्या आप बने रहेंगे क्या आप इस्तीफा देंगे? अच्छा सुनिए बता, अच्छा सुनिए बता दें, आज आप जानते हैं बड़े अच्छा आपने बात बताई, हमारा कार्यकाल आप जानते हैं कि 6 या 7 जुलाई तक, एग्जैक्ट डेट हमको नहीं पता। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को, और आप जानते हैं मंत्रिमंडल में कोई रहता है तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी, बातचीत करेंगे। तो हमारा तो भाई अब सामने जब है कि जब संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेंगे। बाकी तो देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, मैंने आज तक जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली, चाहे मैं सिविल सर्विस में था तब या मैं इधर था तब, मैं अपने काम को मजबूती से करता हूँ और पूरी ईमानदारी से करता हूँ, पूरी निष्ठा से करता हूँ। खीरी महतो को सर टिकट मिला क्या? आपसे बात हुई थी? खीरी महतो को जो टिकट मिला क्या आपसे सलाह लिया गया? अच्छा अभी बताइए, देखिए जी से आप क्या बात करेंगे? आप क्या इस्तीफा देंगे या मंत्रिमंडल में बरकरार? अरे भाई ते तो बताया नहीं, तो प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है ना जी, तो हम तो, अरे हम तो उनके पास जाएंगे कि सर मेरे लिए क्या आदेश है। दो नियम है सर, एक कि आपका कार्यकाल 7 जुलाई तक या 6 जुलाई तक है, दूसरा उसके बियॉन्ड आप 6 महीना और रह सकते हैं प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार पे। देखिए तो क्या आप दोनों में से क्या चुनना चाहते हैं? तीसरा कि आप इस्तीफा देना चाहते हैं? मैं देखिए मैं कुछ चुनना नहीं चाहूंगा, अच्छा। मैं सब जो है ये, चूंकि जहाँ तक मंत्री का निर्णय है, मैंने बताया ना भाई कि मैं पार्टी की तरफ से बनाया गया था, तो है ही स्पष्ट। तो भाई पार्टी ने हमको 6 जुलाई तक दिया है, अच्छा स्पष्ट है देखिए ना। और चूंकि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो कभी इस्तीफा मांग सकते हैं, पर हम भी इस्तीफा दे सकते हैं, ये तो सारी चीजें। लेकिन हम तो चूंकि हमारे सब सर्वमान्य नेता है, सब लोग उनसे बात करेंगे ना। पार्टी ने कोई आदेश नहीं दिया है अभी? पार्टी ने हमको तो कभी कोई आदेश दिया ही नहीं आज तक। आपको ये नहीं कहा कि RCP जी आपका टिकट कट रहा है तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल? अगर सुनिए, हमको जिस दिन जिस मिनट करेंगे तो दिल्ली जाने में कितना सेकंड लगता है तुरंत? दूसरी बात, मैंने क्या बताया चूंकि मैं अभी मंत्री हूँ, तो मंत्री तो फाइनली मैंने बताया प्रधानमंत्री का, मैं तुमसे संबंध अच्छे हैं? अरे आज से संबंध अच्छा, ललन जी से जमाने से आप चले गए पिछले बार। अरे बेगूसराय मुंगेर में जब नॉमिनेशन होता के था जी, हम ही नहीं थे।
हमारा संबंध कभी खराब हुआ? अभी भी ठीक है। अरे फर्स्ट क्लास है यार, हमारा तरफ हमारे तरफ से मैं किसी से न संबंध खराब करता हूँ न संबंध विच्छेद। सर एक और सवाल है, 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेडीयू के, उन्होंने डिमांड किया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यूनियन कैबिनेट में, मतलब मोदी सरकार में सांकेतिक भागीदारी नहीं होनी चाहिए। पिछले साल सांकेतिक भागीदारी के रूप में आप एक बने, तो क्या आपको लगता है कि फिर से नीतीश जी को एक सांकेतिक भागीदारी लेकर मंत्रिमंडल में रहना चाहिए या और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि अति पिछड़ी जाति है, सोशल सेगमेंट है, सेक्शनल इश्यूज है, तो क्या उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? क्योंकि बीजेपी कोटे से अपर कास्ट का डोमिनेंस है केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से, तो क्या आपको लगता है कि उस समाज का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? देखिए आपने दो बातें की, एक आपने कहा कि साहब पहला बात कहा आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, देखिए एक बात जरा समझिए, देखिए समझिए जरा, एक बात जरा समझना बहुत जरूरी है। जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू, आदरणीय जोत साहब स्वर्गीय, जब केंद्र में मंत्री थे, तो उस समय का जरा लोकसभा का देख लीजिए, जो वहां पर जो उनका बनावट था, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, 180-82 सीट थी, सभी अलायंस पार्टनर थे। आज जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और उनका 303 उनका एमपी है। तो मैंने आज नहीं, जिस दिन मैंने ओथ लिया था उस दिन आप लोगों ने सवाल मुझसे पूछा था और मैंने जो कहा था मैं आज उसी पर कायम। देखिए 303 है उनका, उनको क्या आवश्यकता है किसी को बनाने की? लेकिन वो तो उनकी सदा सहायता है और उदारता है कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप चूंकि हमारे पार्टनर हैं, एक मिनट, आप तो प्री पोल अलायंस है। नहीं, एक मिनट कि भाई आप जो हैं आइए यहाँ रहिए, जिससे कि लगे कि नहीं भाई आप लोग का भी प्रतिनिधित्व है। यहाँ तक प्री पोल अलायंस है तो सही है, लेकिन उनका तो भाई एब्सोल्यूट अपना 303 है। तो इसलिए देखिए इसमें जो लोग थ्योरी देते हैं ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले, इनका कोई काम नहीं रहता, इनका काम रहता है सिर्फ कैसे झगड़ा लगाएं, झगड़ा बढ़ाएं। नीतीश जी 45 मिनट मुलाकात हुई थी, क्या जो भी बोले हो जी, नीतीश जी गलत बोले 2000। अरे हम जो भी बोले मैं बता रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 2019 में 303 था और जिस समय ये लोग थे उसमें कितना था, 181 था। आप प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, आपको बुला लिया ये बहुत बड़ी बात है। अरे हम कैसे बोल सकते हैं जी, मैंने अरे सुनिए, अरे कहा हमको बता दे, ललन जी हमारे काल नाराज रहेंगे जी, ललन जी हमसे काल नाराज रहेंगे, वो लोकसभा के नेता है, हम राज्यसभा में तो हमारे नाराज कर रहे हैं। काटने से पहले कोई बात हुई थी, 45 मिनट आपकी मुलाकात हुई थी? अच्छा 45 मिनट मुलाकात हमारी होती है जी, नीतीश बाबू से तो अक्सर मुलाकात हो, तो दिन भर आप ही लोग चलाते तो भेंट नहीं हुई, क्या नहीं हुआ? अरे मिलते हैं तो कितनी बातें होती हैं जी, संगठन में जब आप लोगों ने चलाया तो मुझे पता चला। संगठन में क्या भूमिका रहेगी? अच्छा सुनिए, अच्छा मुख्यमंत्री जी तो बता दीजिए मेरे नेता, जब बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे जी। अरे गजब बात है भाई, जेडीयू में दो तरह के धड़े हैं, जेडीयू में कोई धड़ा नहीं, जेडीयू में एक नेता है एक पार्टी है, कोई धड़ा पड़ा नहीं। हीरो महतो के नामांकन में जाइएगा सर? क्या चीज? हीरो महतो के नामांकन में जाइएगा? बुलाएगा तो जरूर जाएंगे। संगठन में तो संगठन में जाना चाहिए आपको। अभी संगठन में कहाँ है जी भैया, पार्टी में है ना, मतलब अभी तो मंत्री भी है। संगठन में आप किस भूमिका में? संगठन में तो मैं भूमिका ले गया उसमें तो हम, अरे कुछ नहीं, साधारण काज करता था ही ना जी, लेकिन बूथ तक तो हमारे खड़ा किया हुआ है। ये बताइए आखिरी सवाल, कौन आपको बुलाएंगे तब आप नामांकन में जाएंगे, नीतीश जी या ललन बाबू? देखिए ये हम आपको पहले बताएंगे। अच्छा देखिए हमारे सुनिए, आप लोग के मन में जो तरह तरह की बात है, मैं अपने मन में कुछ नहीं रखता, बहुत मैं साफ रखता हूँ, और मैं जहाँ रहता हूँ मजबूती से रहता हूँ, और मैं 2+2=4।